बिना पानी लोग कैसे जीते हैं यह देखने को मिला रांची के रविदास मोहल्ले में। इस मोहल्ले की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। यहाँ रविदास लगभग एक महीने से लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ पानी बिना क्या हालत है लोगों की, इसका जायजा लिया हमारी टीम ने। पानी के बिना शायद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में बिन पानी लोग कैसे जीते हैं यह देखने को मिला रांची के रविदास मोहल्ले में। इस मोहल्ले की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। यहां लगभग एक महीने से लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है। लोग पानी के लिए हाहाकार मचा रहे हैं। पानी का तो समस्या कम से कम 20-22 दिन से, लगभग 25 दिन हो ही गया है और एक बूंद पानी का नसीब नहीं मोहल्ला में। इस दिन में गए, स्कूटी से बात किए, जेई से बात किए, मतलब टोटल सभी जगह हम लोग जहाँ जहाँ पॉसिबल था पानी आ गए, हर जगह हम लोग प्रयास किए। यहाँ तक जूटो वाले से भी बात हुई, वो लोग भी कुछ काम किया, करवाया, देखा नहीं हुआ, चला गया। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग डब्बे वाले पानी पर निर्भर हैं। अपनी दिनचर्या के सब काम के लिए यहाँ के लोग डब्बे वाले पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग को कांटाटोली बस्ती में पानी नहीं मिल रहा है, नया पाइप जिस समय लगने वाला था 3 दिन का हम लोगों को समय दिया गया कि 3 दिन में आप लोगों को पानी मिल जाए, लेकिन अभी तक हम लोग 1 महीने से भी ज्यादा हो रहा है। ये समस्या जो है हर विभाग में हम लोग गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। लास्ट में हम लोग पूरे मोहल्ले के लोग मिल करके यहाँ पर हम लोग के जो है पानी का जो पाइप हम लोग साफ कर रहे हैं। जो बंद हुआ है नल को तो हम लोग को पानी ही नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग जाकर पानी खा रहे हैं, हम लोग बहुत गए हैं तो बोला हो जाएगा, आश्वासन मिला लेकिन नहीं हुआ काम, तब हम लोग धरना में दिए। यहाँ के लोगों के अनुसार उन्होंने कई बार इस मामले पर लिखित आवेदन दिया है लेकिन इस पर किसी ने भी पहल न की और न ही कोई इनकी सुधि लेने वाला है। 26 दिन से पानी का बहुत किल्लत हो गया है। ये फ्लाईओवर जो बन रहा है इसका भुक्तभोगी हम लोग हो गए। आला अधिकारी का कहना है कि हो जाएगा मगर होता नहीं है, हो जाएगा लेकिन वो लोग करते नहीं है। 2-4 लेबर लगा दिए है, उन लोगों को स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है कि मामला क्या है। पानी खरीद के बना रहे खाना बर्तन सब हम लोग उसी से धो रहे हैं। सब पानी खरीद के धोना पड़ मोल भी जा चुके, सब जगह जा चुके, कल रोड भी हम लोग जाम कर लिए लेकिन फिर पानी का समस्या ही नहीं हम लोग का कम हो रहा। तो कुछ आश्वासन मिला कि नहीं? नहीं कुछ नहीं मिला। अभी जब तक घर में पानी नहीं जाएगा तब तो कैसे बोलेगा आश्वासन मिला कि नहीं। पानी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गर्मी के मौसम में तो लोग पानी की किल्लत झेलते ही हैं। अब ठंड के मौसम में भी लोगों को अगर इस समस्या से 2-4 होना पड़े तो लोग फिर कहां जाएंगे। ओंकार आवामी के लिए नीतीश कुमार की रिपोर्ट।